राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डेलीकेट दवा के बारे में कि इसकी मात्रा कितनी होती है, किन किन फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं और यह किस फसल में क्या काम करेगी। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि मिर्च की जो फसल है, चाहे वो शिमला मिर्च हो या खड़ी मिर्च हो, लंबी वाली जो आती है, इन फसलों में मिर्च की पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है। सिकुड़न का मुख्य कारण थ्रिप्स होता है, जो इन पत्तियों के ऊपर रेंगती रहती हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले रस चूसक कीड़े होते हैं, जो इन पत्तियों को की रसों को चूस कर इन्हें कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है। और दूसरी चीज़ है कि फल के साथ साथ इनके डंठल या पत्तियों पर या नीचे कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि कीड़ों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधे की टहनियों के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है, इसे आप लार्वा बोल सकते हैं या सुंडी बोल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिर्च में लगने वाली सुंडी और मिर्च में पत्तियों के सिकुड़न की रोकथाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मिर्च की पत्तियों पर ये जो रस चूसक कीट है, इसका नाम थ्रिप्स होता है, जब ये पत्तियों के रस को चूस कर उन्हें कमज़ोर कर देता है, तो पत्तियों में स्वतः ही सिकुड़न आने लगती है, जिससे पौधे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। उसके बाद में थ्रिप्स के बाद में आप देखते होंगे कि इसमें सुंडियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप डाउ कंपनी का जो डेलीगेट के नाम से दवा आती है, इसमें स्पाइनोटोरम 11.7% SC फार्म में आती है ये, इसका आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें। यानी कि यदि आपकी फसलों में पत्तियों में सिकुड़न और सुंडी का प्रकोप थोड़ा हल्का है, तो आप 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर डेलीगेट दवा का छिड़काव करें, जिससे आपकी मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप खत्म हो जाएगा और जो सुंडी होती है उसका भी प्रकोप खत्म हो जाएगा। यदि आपकी फसलों में सुंडियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो आप डेलीगेट दवा का प्रयोग, जो कि डाउ एग्री साइंस की आती है डेलीगेट के नाम से, इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो स्पाइनोटोरम 11.7% SC पाया जाता है, इसका आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। इसका पुनः छिड़काव आप 10 से 12 दिन के बाद कर सकते हैं। आपकी फसलों में ये छिड़काव करने से आपके मिर्च की फसलों में पत्तियों में सिकुड़न, जिसे आप देसी भाषा में मठुरा या मुर्रा बोल सकते हैं, के प्रयोग में ला सकते हैं। मठुरा, जो कि आपकी फसलों में बहुत तेज़ी से लगता है, गर्मियों के मौसम में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, सुंडियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप डाउ एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी का डेलीगेट जो दवा है, इसमें स्पाइनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में पाया जाता है, इसका प्रयोग आप अपनी खड़ी फसल पर करें, जिससे कि आपकी फसलें सुरक्षित रहें और आप अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन ले सकें, आपकी फसलें अच्छी रहें। आप इसके बाद में ये ध्यान रखें, खरीदते समय आप ये ध्यान रखें कि डेलीगेट ही लें, किसी अन्य कंपनी का ना ले लें, और ख़रीदते समय ये ध्यान रखें कि उस पर कोर्टेवा का स्कैनर लगा होता है, बारकोड बना होता है। आप यदि चेक करना चाहते हैं कि ये दवा नकली है या असली, तो आप बारकोड को स्कैन करें, और बारकोड को स्कैन करते ही उसमें आपका डाउ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड लिख कर आ जाएगा। यदि किसी अन्य कंपनी का नाम आ रहा है, तो आप इसको आप अपने दुकानदार से, अपने रिटेलर से इसके लिए
तुरंत जानकारी लें और उनसे इस विषय में बात करें। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।